प्रातः क्लास चल रहा था 24/4/1966 रविवार को पांचवें पेज के मध्य में बात चल रही थी भक्ति मार्ग में ऐसे ही थोड़े ही कहते हैं मनमना भव, वो तो बैठ करके उल्टा सुलटा पुलटा सभी कुछ कराते हैं, नाक मूंदो कान मूंदो ये करो वो करो, बहुत प्रकार की गिट गिट करते हैं। तो जो ये मनमना भव का मंत्र देगा उनमें सृष्टि के चक्र का ज्ञान जरूर होगा, कौन देगा? मनमना भव का मंत्र कौन देगा? है मेरे मन में समा जा, जरूर इस सारी सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज ही होगा। जो मंत्र देगा मनमना भव मत्याजी भव, क्योंकि ये जो याद की यात्रा है वो तो बाबा के सिवाय कोई सिखा ही नहीं सकता है। कहते हैं मनमना भव बच्चे, और ये भी कोई नहीं कह सकते कि अभी 84 का चक्र पूरा होता है, ऐसे कोई भी मनुष्य किसके पास जाओ कभी भी कोई नहीं कहेंगे कि 84 का चक्र पूरा होता है। इसलिए ये दुनिया खत्म हो जाएगी और नई दुनिया जरूर आवेगी। तो देखो ये दुनिया पुरानी हुई ना, झाड़ भी पुराना हो गया, जड़ी जड़ी भूत अवस्था में आ गया, ये झाड़ भी सड़ना है खत्म होना है एकदम, क्योंकि ये सृष्टि रूपी झाड़ कोई उस झाड़ के मुआफिक तो नहीं है ना, ये तो मनुष्यों का झाड़ है ना, जो तुम्हारी बुद्धि में है बरोबर कि इस झाड़ की वृद्धि कैसे होती है। हम यहां बरोबर बादशाही स्थापन कर रहे हैं, ये बात बहुत ही सीखेंगे ढेर के ढेर, और सब थोड़े ही इकट्ठे आवेंगे बादशाही लेने वाले। कि सब इकट्ठे आ जाएंगे वहां नई दुनिया में? नहीं, पहले यहाँ का हमारा ब्राह्मणों का झाड़ तो बड़ा बड़ा होगा ना, ये ब्राह्मणों का झाड़ बहुत बड़ा होगा,
पीछे थोड़ा थोड़ा हो करके आएगा। अभी संगम युग में ये ब्राह्मण होंगे बहुत, परंतु गुप्त। बस कोई ने थोड़ा भी सुन लिया तो भी प्रजा में आ जाएंगे। बाकी तुम बच्चों को पुरुषार्थ ऊंचा करना होता है ना, ये भी समझते हो कि ये सेंटर्स बहुत वृद्धि को पावेंगे। तुम देखते तो हो ना कि प्रजा में कितना, अभी वहां कितना आते होंगे। अच्छा अब एक दफा दो दफा ये बॉम्बे में कितनी बार प्रदर्शनी होगी। अभी तो जितना वर्ष है जीती है होती ही रहेगी, वृद्धि को पाती रहेगी, ढेर होती जाएगी। छाछठ की वाणी है, उस समय प्रदर्शनी के थोड़े चित्र थे, इसलिए बोला ये प्रदर्शनी वृद्धि होती जाएगी। जैसे मंदिर जास्ती निकलते जाते हैं भक्ति मार्ग में, कदम कदम पर मंदिर, कदम कदम पर टिकाने, तो इसलिए तुम्हारे हरेक जो सेंटर्स, चाहे छोटा होगा बड़ा होगा, उस पर प्रदर्शनी रखी जाएगी समझाने के लिए। ये चित्र तो बहुत ही रखे जाते हैं, कोई कोई मंदिर वाले होते हैं ना, तो उनके पास चित्र बहुत रखते हैं, खास करके पूजा के अंदर में तो चित्र बहुत रख देते हैं। तुमको तो अभी घर घर में प्रदर्शनी रखनी होगी। माँ आई, भाई आए, बहन आई, उनको समझाते रहेंगे। तो देखो कि कितना वृद्धि को पा जाएंगे। आखिरीन इच्छा पूरी करनी पड़ेगी, अभी नहीं करते हैं। आखिरीन में हमें प्रदर्शनियों की इच्छा भी करनी पड़ेगी। क्योंकि ढेर हो जाएंगे, देखो तो सही ये भारत कितना बड़ा है। चौबीस चार छियासठ की वाणी का छठा पेज, ये मद्रास की तरफ में देखो बहुत बड़ा है। तुम क्या एक जगह में बैठे हो? क्या देखें, दस पांच
या तो वो लाखों लाखों भी क्यों कहें, ये करोड़ों होंगे। गांवड़े छोटे छोटे गिनती करो, तो उन सबके पास ये पैगाम तो जाना ही है। कौन सा पैगाम? कि वेद का बाप आया हुआ है, नई दुनिया स्वर्ग रच रहा है और पुरानी दुनिया भस्म होने वाली है। तो देखो, अभी तो तुम बच्चों को कितनी सर्विस करनी है, भारी सर्विस करनी है। ये तो अभी थोड़ी ही है, अभी ये फैशन निकला है प्रदर्शनी का और प्रोजेक्टर का, परंतु नहीं, गांव गांव में तुमको ये सब कुछ बैठ करके दिखलाना पड़ेगा, क्योंकि गांव वाले बहुत उठाएंगे, समझा ना? क्यों? क्योंकि गांव में गरीब जो होंगे, एक तो गरीब होंगे, दूसरा जो भगत होंगे, क्योंकि जो भगत होते हैं वो ही तो देवताएं थे ना। जो देवताओं की भक्ति करते रहे, वो ही तो पूज्य से पुजारी बने ना। हम समझते हैं कि जो भगत हैं सो पूज्य थे, अभी ये पुजारी बन गए हैं। तो बाबा ने भी कहा है, जहां भगत हैं वहां जाओ। और अभी भगत तो बहुत जगह में ढेर के ढेर हैं, कई होते हैं जो नेचर को मानते हैं, कई होते हैं जो क्या मानते हैं, कई होते हैं जो संन्यास करके जंगल में चले जाते हैं, संन्यास लिया हुआ है, सो भी हैं तो वो भी भगत है। तो ढेर भक्तों को ज्ञान देने का है। अभी तो बाबा कहते हैं, ये प्रदर्शनी के चित्र तो तुमको बहुत छपाने होंगे। देखो, ये चित्र सभी मांगते रहते हैं, बाबा प्रदर्शनी चाहिए। और विवेक भी कहता है कि हर एक सेंटर में ये प्रदर्शनी के अच्छे अच्छे चित्र जरूर बनाना पड़ेगा। ये बुद्धि रोज चलती रहती है, सीढ़ी तो जरूर चाहिए। अच्छा, शिव और शंकर का भेद भी जरूर चाहिए। उसमें दिखलाने के लिए शिकल है ना, किसमें? शिव शंकर के चित्र में देखो, वो लिंग है,
उसके गले में माला पड़ती है। सूक्ष्म बदन में रहने वाला वो देख लाना पड़ता है ना। अच्छा, भगवान तो जन्म मरण रहते हैं, वो भगवान पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। ये श्री लक्ष्मी नारायण भी है, ये तो पुनर्जन्म में आते हैं। इनको 84 का चक्र जरूर भोगना पड़े। अभी चित्र रखना पड़े शिव का, उनका अभी बताओ भगवान किसको कहा जाता है जो पुनर्जन्म रहते जन्म मरण रहते उनको ही तो कहा जाता है। जयंती एक बार तो गाई जाती है ना, इस बात का भी मनुष्यों को कुछ पता नहीं है। शिव जयंती गाई जाती है, वो शिव जयंती कैसे, शिव कैसे आते हैं? देखो किसी को पता ही नहीं है एकदम कि कैसे आते हैं। भले पता नहीं क्या क्या शिव पुराण फलाना पुराण ये रखे तो बहुत है, और उनमें कुछ ऐसी बात हो ही नहीं सकती है कि शिव कैसे आते हैं। यहां तो शिव बाबा की पिछाड़ी ब्रह्मा तो जरूर चाहिए, जो बाबा ने बहुत समझाया है देवताओं के लिए भी कि त्रिमूर्ति ब्रह्मा क्यों कहते हैं। त्रिमूर्ति भला सबसे बड़ा तो शंकर है, क्योंकि बाबा ने समझाया है नेक्स्ट शिव है शंकर। परंतु त्रिमूर्ति में पीछे है शंकर, क्योंकि बाबा को तो आकर के सर्विस करनी पड़ती है उसी रूप में। उनको अपना शरीर तो है ही नहीं, किस रूप में आकर के सर्विस करनी पड़ती है, है? शंकर के रूप में। शिव को अपना शरीर तो है ही नहीं, शंकर जिसका बहुत थोड़ा पार्ट है वो फिर भी चोला ले लेते हैं। थोड़ा पार्ट क्यों कहा है, इसलिए कहा कि शंकर को तो याद में बैठा हुआ दिखाते हैं, और याद करना कोई पार्ट बजाना थोड़े ही है इंद्रियों से। पार्ट तो इंद्रियों से बजाया जाता है, याद मन बुद्धि से किया जाता है।
फिर भी भले पार्ट नहीं है इतना, उनका सारा पार्ट याद का ही है, याद में ही मोस्टली दिखाई जाते हैं चित्रों में, फिर भी वो चोला तो लेते हैं ना। इसलिए उनको भगवान नहीं कहा जाता है, महादेव कहा जाता है, देवता कहा जाता है। बाबा ने समझाया था ना, नेक्स्ट टू शिव है शंकर, तो प्लस में जैसे कि वो है इसलिए शिव शंकर कह देते हैं। किसके प्लस में है वो शंकर, किसके प्लस में है क्या कहते हैं, शिव शंकर, कोई दूसरा नाम तो नहीं लगाते। शिव के साथ कोई दूसरे का नाम लगाते हैं है? नहीं, तो शिव के प्लस में शंकर है इसलिए शिव शंकर कह देते हैं। शिव ब्रह्मा नहीं कहते, शिव विष्णु नहीं कहते, या कोई भी देवता का नाम शिव के साथ नहीं लगाते, किसका लगाते हैं, शंकर का। तो ये तुम बच्चे जानते हो, सो भी समझाने में जिस समय में सुनते हो उस समय में थोड़ा अच्छा लगता है, फिर भूल जाते हो, बहुत भूल जाते हो। जितनी जो अच्छी अच्छी पॉइंट्स याद करेंगे वो सर्विस अच्छी कर सकेंगे, नंबरवार सर्विस करते रहते हैं मुख्य मुख्य पॉइंट्स। बाबा कहते हैं जो बिल्कुल अच्छी अच्छी पॉइंट्स हैं वो नोट करनी चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं पॉइंट्स भी तो अच्छी है, पॉइंट तो सभी रखते हैं, बैरिस्टर भी पॉइंट्स रखते हैं, डॉक्टर भी रखते हैं कि कभी कोई दवा भूल न जाए, क्योंकि डॉक्टर को कभी कभी दवाएं भूल जाती हैं, फिर जाते हैं पेशेंट के ऊपर, अच्छा इस दवा से तो इनको फायदा हुआ, ये फलानी दवा है, इनसे अच्छा है ये दवा इनको देवे। तो तुम्हारे पास भी तो बहुत दवाइयां रखते हैं, अच्छा इस पॉइंट से नहीं समझते हैं, फलानी पॉइंट्स दे देता हूं, फलानी पॉइंट्स नहीं सुनते हैं, अच्छा फलानी पॉइंट देता हूं। तो बच्चों को पॉइंट्स भी तो बहुत चाहिए ना, भले कोई कोई बच्चे हैं जो ऐसे सभी दान कर देते हैं, परंतु सभी पॉइंट्स फिर किसको भी याद तो नहीं रहती है। भले देखो ये बाबा की तो बात ही अलग है, इनकी बात या तुम मम्मा की लो या तुम्हारे पास जो हैं वो भी ऐसे ही जैसे भाषण करके आएंगे ना, फिर उनको जरूर ये ख्याल होगा ये पॉइंट देना तो हम भूल गए, ये पॉइंट भी हमारे पास उस समय में आती तो बहुत अच्छा होता, समझा ना, ऐसे जरूर होगा।
तुम भाषण करने वालियां ये जरूर समझती होंगी, जो समझदार हैं और जिनको देहभान नहीं है वो भाषण करके पीछे आकर ख्याल करेंगी, मैंने पॉइंट सब अच्छी तरह से समझाई या नहीं। चौबीस चार 66 की वाणी का 7वां पेज, ये पॉइंट समझाई, वो पॉइंट समझाई, तो उनको ये ख्यालात होते हैं, ये पॉइंट हम भूल गए। इसलिए बाबा कहते हैं कि अब कोई साथ में नहीं चलनी है वो पॉइंट, ऐसे नहीं है कि तुम्हारे कोई बाल बच्चे वो पॉइंट से पढ़ेंगे, जैसे ये शास्त्र पढ़ते हैं। इस समय की पढ़ाई इस जीवन के लिए है, बस फिर तो ये पढ़ाई खत्म हो जाएगी। हम ये जानते हैं ना, जो भी कुछ इस दुनिया में इन आंखों से देखते हैं, फिर सतयुग में हमको ये आंखें तो होंगी, परंतु जो हमको दिव्य चक्षु मिला है वो नहीं होगी। ज्ञान का तीसरा नेत्र तुम्हारा अभी मिलता है, तो बस वो तीसरा नेत्र फिर बंद हो जाएगा, फिर ये आंखें तुम्हारी, वहां भी ये आंखें मिलेंगी जो मनुष्यों को सबको है। अभी जो तुमको तीसरा नेत्र मिला हुआ है, त्रिनेत्री बने हो, त्रिकालदर्शी बने हो, वो नेत्र फिर वहां नहीं होगा। यहां इस समय में तुमको बाबा आत्मा को ये ज्ञान समझा रही है और आत्मा धारण कर रही है, तो आत्मा को तीसरा नेत्र किसका निकलता है? ज्ञान का निकलता है। जो बाबा में ज्ञान है, दूसरा ये तीसरा नेत्र कोई दे ही नहीं सकता है। बाबा ही कहते हैं, ये आत्मा सुनते हो, अच्छी तरह से धारण करो, ये जो कुछ भी पढ़ते हैं, जो भी मनुष्य सीखते हैं, आत्मा ही सीखते हैं, कोई शरीर नहीं सीखता है। पर देवान हो करके मैं सीखता हूं, मैं बैरिस्टर बना हूं, मैं करता हूं, तो उनको ये ख्याल में नहीं आता है मैं आत्मा इस शरीर द्वारा बैरिस्टर बना हूं, ये तो कोई भी नहीं सोचते होंगे। उनको कहा जाता है देह अभिमान। अभी इस समय में मैं तुमको, अर्थात आत्मा को पढ़ाता हूं, आत्मा पढ़ती है। बाबा जो निराकार है हमको पढ़ाते हैं, ये याद रखना बड़ी मेहनत है। क्या है कि निराकार शिव ज्योति बिंदु बाप जो आत्माओं का बाप है वो हमको पढ़ाते हैं, ये याद रखना मुश्किल है, नहीं तो बुद्धि साकार में चली जाती है। जितना ये याद रखेंगे, तो बाबा को याद करने से
अपनी आत्मा की भी याद रहेगी, और अपनी आत्मा की याद रहेगी तो बाबा की भी रहेगी। तो बच्चों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है और खुशी में रहना चाहिए। अभी बाकी थोड़ी रोज में हमारा राज्य आया कि आया, देखो क्या क्या है इस दुनिया में, कितना इस दुनिया में घूमने जाते हैं, कैसी कैसी बड़ी बड़ी चीजें हैं जिनकी महिमा करते हैं। यहां ये है, वहां वो है, वो 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड दिखलाते हैं। भाई ये ताजमहल है, फलाना है, ये है, वो है, परंतु वहां नई दुनिया में ये कुछ होगा क्या? हमारे राज्य में ये कुछ नहीं होगा। ये तो 7 वंडर्स इस दुनिया के मनुष्यों के बनाए हुए हैं। स्वर्ग तो मनुष्यों का बनाया हुआ नहीं है, वहां ये मनुष्यों के बनाए हुए वंडर्स नहीं होंगे, भगवान का बनाया हुआ वंडर है स्वर्ग। तो तुम्हारा राज्य और दूसरे कौरवों को राज्य, भारतवासियों का होवनहार राज्य और कौरवों का है ये राज्य। तो देखो तुम्हारे राज्य की अभी स्थापना हो रही है, उनका तुमको नॉलेज मिल रहा है, उन दुनिया वालों को यही नॉलेज मिल रही है स्कूलों में फलाने में, ताजमहल की नॉलेज। तो देखो कितना फर्क रहता है, बहुत फर्क है। बच्चों को तो बाबा कहते हैं, ये तो तुमको खुशी होनी चाहिए जो पढ़ाई हम पढ़ते हैं, और हम पढ़ते ही हैं भविष्य में राज्य लेने के लिए। तो जो बच्चे पढ़ते हैं उनको तो मर्तबा याद रहता है ना, बैरिस्टर की पढ़ाई पढ़ेंगे तो सोचते हैं बैरिस्टर बनेंगे, फिर यहां आकर के बैरिस्टर ही करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तुम जानते हो कि हम पढ़ते हैं भविष्य के लिए, फिर हमको अच्छा पढ़ना चाहिए जैसे मम्मा बाबा पढ़ते हैं, तो हम राजगद्दी पर बैठ सके। इतना हम अच्छी तरह से नहीं पढ़ेंगे तो क्या पद पाएंगे। बांजो अनन्य पढ़ने वाली हैं, वो हैं तो सही ना, रामी नामी ग्रामी। बाबा उन नामी ग्रामियों की लिस्ट नहीं निकालते हैं, नहीं तो कभी कभी विचार होता है कि हम लिस्ट निकालेंगे तो सभी सेंटर्स वाले कहेंगे बाबा इस लिस्ट में हमको क्यों नहीं भेजा, पीछे उन विचारों की बदनामी हो जाएगी, अच्छी लिस्ट में उनका नाम नहीं डालेंगे या नीचे में ले आवेंगे तो सभी सेंटर्स वालों को मालूम पड़ेगा ये माला बनाई है बाबा ने नंबर वार अच्छे अच्छे बच्चों की। तो जट बोलेंगे बाबा
फलानी बच्ची को तो हमको भेज दो ताकि वो हमको रिफ्रेश करके जावे। फिर ये कितनी बड़ी मुश्किलात हो जाएगी, सब जगह अच्छों अच्छों को कहां से भेजेंगे, तो फिर वो फंक हो जाएंगे। जो नीचे वाली होगी ना, जिनका नाम नीचे में लिखेंगे वो तो बेचारी फंक हो जाएगी। तो जब मनुष्यों को फंक हो जाता है तो हार्ट फेल हो जाता है। हार्ट फेल यानी मर नहीं जाते हैं पर उनको अफसोस हो जाता है कि हमारा नाम तो बहुतों के दिल पर चढ़ेगा, चढ़ेगा ही नहीं, हम कहां भी जावेंगे बोलेंगे ये तो फलाने क्लास वाली है, इसलिए तुम्हारी माला नहीं बनाते हैं और न इतना वर्णन करते हैं। कभी कभी समझाने के लिए कि देखो तुम समझो, तो जो जो भी भाषण वाली हैं उनको बुलाते हैं तो उनका रिगार्ड भी रखो, ये समझो। वो घर में ऐसे नहीं समझो सेंटर में रह करके हम बहुत होशियार हैं, नहीं, हमारे में बहुत ऐसे होशियार हैं। हमको होशियार होने का है 24:66 की वाणी का 8वां पेज। फिर होशियार आवे तो उनका रिगार्ड भी रखें। होशियार को मंगाना चाहिए कि फलानी आ करके हमको रिफ्रेश करके जाओ, ऐसे नहीं समझना चाहिए मैं मंगाती हूँ तो वो क्या समझेगी, नहीं, ये तो कॉमन बात है। देखो भाषण करने वाली भी नंबरवार होती है ना, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, फलाना है, नंबरवार तो है ना, हर एक चीज नंबरवार होती है, तो तुम्हारे पास भी नंबरवार है, परंतु वो नंबर कौन जाने। तो अभी बाबा कहते हैं गुड़ जाने, शिव बाबा जाने और उनकी गोथरी, जिसमें उनका प्रवेश है। ये शिव बाबा की रहने की गोथरी है क्या, शरीर, तभी बाबा समझाते हैं वो जाने और ये जाने, तो उनके भी ऐसे ही कहेंगे कि देखो ये फलानी कितना भाषण करती है, जाओ अभी प्रदर्शनी में जा करके जांचते रहो कि कौन कौन अच्छी तरह से सिखलाती हैं, तो तुमको मालूम पड़ जाएगा कैसे एकदम जैसे मशीन चलती है समझाने की। अच्छा चलो बच्ची, इनको मालूम है कि अभी बुड्ढा है, हम अभी जाकर के प्रिंस बनेंगे, बहुत बड़े घर में जन्म लेंगे, और तुम भी जैसे जैसे जिसकी अवस्था है
वो ऐसे ऐसे बड़े घर में जाकर के जन्म लेंगे। कोई राजा रजवाड़ा पावरफुल में जाएंगे, क्योंकि फिर तो तुमको राज्य मिलने का है। जब हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं तो भी मनमना भव है, क्योंकि राज्य जब स्थापन होता है, बाबा राज्य स्थापन कराते हैं तो बाबा याद आवेगा। तो कोई भी प्रकार से, कोई भी हालत में बाप को याद जरूर करना है, तो तुमको खुशी आएगी। सिर्फ योग बल से कोई मुसीबत तो नहीं आती है ना, ये तो बाकी जो कर्म भोग है वो तो अपना अपना कर्म भोग है, वो तो भोग नहीं है, भोगना पड़ेगा। उसमें उसके साथ इस ज्ञान का कोई कनेक्शन नहीं है। ये जो तुमने किया हुआ है वो भोगेंगे। कर्मातीत अवस्था के लिए जरूर कुछ तो होना चाहिए जो गाया जाए कि अभी कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है, अभी भोगना है। मना कर्मातीत अवस्था की क्या निशानी बताई है? जब कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तो ये जो शरीर का कर्म भोग बीमारी आदि आती है वो सब क्या होगा? बंद हो जाएगी। सो कर्म भोग भोगने में पहले नंबर में ये बाबा बताते रहते हैं। अभी तलक भी बहुत दूर हैं, कभी ये हुआ कभी वो हुआ, ये कर्म बंधन पड़ा हुआ है ना, ये पापों का बोझ है ना, जैसा कर्म किया है ऐसा भोगना पड़ता है, तो भोगना है ना, कुछ न कुछ भोगना है तो सही ना। थोड़ा कर्म बंधन भी है तो बहुत भी है। माना कि अभी बहुत टाइम पड़ा हुआ है, ऐसी हालत देखने में आती है जमाने की। वो गाया जाता है बिगड़ी हुई है हालत जमाने की, तो ऐसे जमाने से जिसकी बिगड़ी हुई हालत है उनसे दिल नहीं लगाओ। देखो ये भूल ना जाओ, रोज रोज बाबा खुशी में ले आते हैं। अच्छा ये भी याद करो, हम पढ़ते हैं तो स्वर्ग में बादशाही के लिए पढ़ते हैं, और जितना हम अच्छा पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। किस माफिक ऊंच पद पाएंगे? अच्छे में अच्छा पद। अरे स्कूल में बैठे रहते हैं, पहले नंबर वाले जो होते हैं वहां तो देखते हैं और यहां भी देखते हैं, बरोबर समझते होंगे फलाने फलाने सेंटर से बड़े सेंटर्स पर जरूर अच्छी अच्छी होंगी, छोटे सेंटर पर जरूर कुछ कमती ताकत वाली होंगी। ये भी तो समझे ना, हम किसको फॉलो करें? हम मम्मा बाबा को फॉलो करें ना, फॉलो मदर एंड फादर, समझा है ना? फॉलो तो उनको करना है ना। तो बाबा फॉलो करने की युक्ति बताते हैं।
उस युक्ति में मदर फादर जास्ती फॉलो करते हैं, ला मुजीब। बच्चों को भी ऐसे कहें फॉलो फादर, फॉलो मदर एंड फादर। तो मदर एंड फादर ही सरस्वती और ब्रह्मा, और वो ही महाराजा महारानी। ये बात तो तुम अच्छी तरह से समझ गए हो ना। अच्छा, अभी बच्चों को गुड मॉर्निंग।